और उस हाथरस की घटना ने पूरे देश के वाल्मीकि समाज के लोगों के मन में, दलित समाज के लोगों के मन में ये बात पैदा कर दी और इस विश्वास को और दृढ़ और मजबूत कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर दलितों का सम्मान नहीं है, वाल्मीकि समाज का सम्मान नहीं है, भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी मानसिकता वाली पार्टी। अभी एक घटना हुई है जिसके लिए आज की ये प्रेस वार्ता मैंने बुलाई है। हाथरस कांड से पीड़ित होकर, दुखी होकर, ये मानकर कि आदित्यनाथ की सरकार में उनको न्याय नहीं मिल सकता, 236 वाल्मीकि समाज के लोगों ने करेरा गांव, जो गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस के पास पड़ता है, वहां पर 236 वाल्मीकि समाज के लोगों ने हिंदू धर्म त्याग दिया, हिंदू धर्म छोड़ दिया। आदित्यनाथ की कार्रवाइयों की वजह से, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की जो कार्य प्रणाली है उससे क्षुब्ध होकर, दुखी होकर और हाथरस में जिस तरह से दलितों के सम्मान का मान मर्दन किया गया, जिस प्रकार से उनके सम्मान को कुचला गया, इस बात से पीड़ित होकर, दुखी होकर 236 वाल्मीकि समाज के लोगों ने हिंदू धर्म त्याग दिया। ये बहुत बड़ा सवाल है भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा तमाचा है योगी आदित्यनाथ की सरकार के ऊपर कि जब आपकी सरकार में दलित समाज के लोग इतनी पीड़ित हो रहे हैं, इतने दुखी हो रहे हैं,